अलौकिक छटा है यहाँ तो, ऐसा सीन तो पहले कभी नहीं देखा। मैं तो वतन से धरती पर सैर करने आया था, पता नहीं धरती पर पहुंचा हूं या कहीं और। लगता है अभी सूक्ष्म वतन में ही हूं, बड़ी अलौकिक छटा है। आह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह सभी का भाग्य, वाह वाह संगम युग, वाह वाह ड्रामा वाह। घबराइए नहीं, छतरी उड़ने वाला नहीं, इसके छत्र छाया में तो सभी बैठे हैं। वाह वाह के कितने मैं गाऊं, सभी फरिश्ते यहां। आनंदम आनंदम परमानंदम परमानंदम आनंदम 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 परमानंदम। ये कौन आप, मंगल ग्रह से आए हैं क्या? आप यहां के नहीं लगते, आप यहां के नहीं लगते। यहां के लोग मूछ दाढ़ी वाले होते हैं, धोती कुर्ता वाले होते हैं। आप मंगल ग्रह से आए हैं क्या? वहां कुशल मंगल तो है ना? बड़े भोले लगते हैं आप तो भाई। क्या नाम है आपका? बिल्कुल ठीक कहा, भोला। मेरा नाम भोला। भोला भोला। अच्छा बोला बोला, मेरा नाम भोला। भोला, अरे हमारे पास ज्ञान का गोला, मेरा नाम भोला। सचमुच भगवान को आप जैसे भोले बच्चों की जरूरत है स्थापना के लिए। केवल हमारे जैसे नहीं, ये तो उनके पहले बैठे हैं और पीछे ये बैठे हैं, सभी भोलेनाथ के भोले भोले बच्चे, भोले भोले बच्चे। मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्ता। फरिश्ता? सूक्ष्म वतन से धरती पर सैर करने आया था, पर मुझे लगता है मैं कहाँ गया हूँ, ये तो धरती है या वतन? आप भी बड़े भोले हैं, आ गए ना हमारे चक्कर में। जो यहाँ आता है वो भोला ही बन जाता है, चाहे देवता हो फरिश्ता हो। ये ब्राह्मणों की दुनिया में प्रभु की रचना में सब भोले हो जाते हैं। आप वतन में नहीं हैं, लेकिन यही वतन है जहां आप हैं। बस यही वतन है जहां आप हैं। मुझे इसकी, इस पावन धरनी के बारे में कुछ बताइए तो सही। क्या कहना इन पावन धरनी के बारे में? स्वयं साकार पिता ब्रह्मा बाबा की ये रचना की भूमि है, कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है और तपस्या भूमि है। ये बैठे हैं सभी तपस्विनियां, सभी ये तपस्या भूमि है, तपस्या भूमि। ये सब कौन है महान विभूतियां? वाह फरिश्ते जी महाराज, आप वतन में रहते हैं? अरे ये तो रोज वतन में जाती हैं, आपने देखा होगा ना? हाँ, मैं इनमें से बहुतों को तो अच्छी तरह जानता हूँ, रोज वतन में जाती हैं जी, परंतु मैंने एक दादा को वहां कभी नहीं देखा। दादा को? वो दादा, वो ये दादा, ये बैठे हैं ये? नहीं, नहीं, वाला दादा? नहीं, अरे ये गीत गा रहे थे। वो दादा इधर देखो, वो पहला, पहले पहला नहीं तीसरा, अर्जुन दादा। हाँ अच्छा, ये हमारे दादाओं के दादा अर्जुन दादा। अर्जुन दादा, अच्छा, ये वतन में जाते हैं हाँ। लेकिन फागी और बरसात में आधे रास्ते में रह जाते हैं। अच्छा, इसीलिए तो मैं छतरी लाया हूँ। अच्छा, अभी उनको लेके जाएंगे, जरूर जाएंगे। इसीलिए इनको मैंने वहां नहीं देखा था। इनकी कोई खूबी? इनकी खूबी हाँ, अरे एक से एक खूबियां भरी है। स्वयं भगवान को ये सलामी करते थे और भगवान भी इनको गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा, क्या कहना। और इन सब के बारे में तो कुछ परिचय कराइए मुझे। परिचय? तपस्वी लग रहे हैं। अरे हम तो एक एक से परिचित हैं, एक एक से परिचित हैं, एक एक से। और ये देखिए, ये हमारे प्रमुख हैं, तो स्वयं
परमात्मा पिता द्वारा चुनी हुई, इनका नाम है प्रकाश मणि जी। अरे कितनी प्रकाश फैल रही है सारे विश्व में, यही है हमारे चिप प्रकाश मणि जी। हाँ आपने सुना नहीं, देखा इनकी नहीं? महिमा तो वतन के फरिश्ते भी बहुत करते हैं। और भगवान? अरे भगवान तो स्वयं इनके चिंता करते हैं, चिंता जी, तबीयत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। और सुनो भोला, ध्यान से सुनो, जहाँ ये हैं वहाँ स्वयं भगवान हैं। उतना ही नहीं, ये तो इनकी रग रग में सेवा समाई हुई है। सेवा? अरे न खुद चैन से बैठती है न मुझे बैठने देती है। अच्छा। एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम। अभी 60 वर्ष सिल्वर जुबली, उसके हाँ। बाद दूसरी जुबली हाँ। अभी 60 कन्याओं की शादी। अच्छा। अभी ये, अरे क्या क्या नहीं रखती हैं। अच्छा। कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस 14 रख दी है। ठीक है, और इनके पास बैठी है? इनके पास बैठी क्या, ये साक्षात ओ दादी जानकी जी। अरे इनका क्या कहना। हाँ इनको तो मैंने वतन में बहुत देखा, ये बहुत आती हैं। अरे अभी भी वही होंगी, अभी भी वही होंगी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है ना शायद। भोला यही शायद वो मस्त फकीर हैं। अरे फकीरों फकीर हैं, इनका क्या कहना। विदेही जनक यही है ना। अरे इनका ये तो गायन पूजन है। हाँ। और इनका ये सभी नहीं, सारे विदेही जनक के विदेशी दीवाने हैं। हाँ ये बात, सारे विदेशी। ठीक बात। और मुझे ऐसा लगता है इन्हें देखकर जी, ये अपने को कभी बुजुर्ग नहीं समझते। बुजुर्ग? वाह फरिश्ते जी, कभी फरिश्ते बूढ़े बुजुर्ग होते हैं क्या? अरे ये सदैव जवान नहीं, बच्चे हैं, बच्चे उड़ते रहते हैं, उड़ाती रहती हैं। उड़ती कला की क्लास कराते रहती हैं हमारी, उड़ते रहो उड़ाते रहो। तभी तो ये सुनो, जो कोई कंफ्यूज होते हैं ना, कंफ्यूज समझे, इसका कान का फ्यूज निकल जाता है। हाँ, वो कंफ्यूज बस, फिर उनको सुनाती है मन मना भाव की पाठ पढ़ाती है और उनको खुशी मिलाती है, सब प्रश्नों से पार बनाती है। ठीक हो जाइए। हाँ ठीक बात। अच्छा और ये दो रतन? दो रतन? अरे दो रतन एक जगह कहाँ, एक रतन इधर और दूसरी रतन रतन दादी रतन। अच्छा, इनका भी नाम अच्छा, रतन। हाँ, ये रतन मोहिनी दादी। हाँ, और उधर मनोहर दादी। अच्छा, क्या आपने कभी इनका क्लास सुना नहीं क्या? हाँ इनकी आवाज तो वतन तक भी आती है, फरिश्ते भी सुनते हैं, फरिश्तों की सभा लग जाती है। अरे ये जब और इनकी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हाँ, रोज सुनाती हैं। हाँ, तभी तो सारे फरिश्ते इनकी बातें सुनने के लिए सब काम धंधा छोड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। उनको छोड़ो, ये अभी ये भी बैठे हैं, काम धंधा चल कर क्या, इनको भोजन भी करना है, केक भी काटना है। हाँ, बैठे हैं ना देखिए। अच्छा और क्या, इतनी बात सुना दिया। मुझे दो सफेद सफेद से हल्के हल्के से रतन दिखाई दे रहे हैं। इनको सफेद सफेद, क्या ये काले काले से बैठे हैं? अरे सारे सफेद ही सफेद हैं। बहुत हल्के से सफेद, बहुत हल्के, बहुत हल्के से। ध्यान से देखो, तुम भी देखो, इधर इधर आओ, इधर इधर। हाँ 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 ठीक कहा, रुई जैसे होंगी ना। हाँ, बिल्कुल रुई जैसे। हाँ, बिल्कुल हल्की हल्की। हाँ, सफेद सफेद। हाँ, तो ये होंगे दादियों की दादी, परदादी निर्मल शांता। हाँ, रुई जैसी। हाँ, अरे छूके देखा। हाँ, यही है, ठीक है, परदादी निर्मल शांता दादी। बड़ी निर्मल लग रही हैं। निर्मल ही, अरे निर्मल के साथ साथ ज्ञान सागर की गहराई में इतनी शांत, और इनको देखते ही स्वयं साकार बाबा की ना। हाँ मैं भी सोच रहा था। अरे मैं तो खो गया, आप तो सोचते रहोगे। वतन में जो अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है ना जी, उनसे बिल्कुल मिलती जुलती। अरे उनकी बच्ची है, मिलती अच्छा, जुलती क्या, तीन बाप की बेटी है। हाँ, बाकी सब दो बाप की बेटी है, वो तीन बाप की बेटी है, इसलिए उनका नाम परदादी है। दूसरों को पहचानो, दूसरे। हाँ ये भी बिल्कुल लाइट, छूते ही देखा लाइट। ठीक कहा आपने, हल्की हल्की। हाँ, और ये भी आपने देखा होगा, इनको तो वतन इनको में नाम दादी गुलजार। हाँ, इनको प्रसिद्ध, अरे कौन नहीं जानता होगा इनको, तो वतन में बहुत बार मैंने देखा है। क्या करते हुए? अरे घंटों घंटों आराम करती हैं वहाँ। लो वहाँ आराम करती हैं, क्यों यहाँ हमारा घर में जगह नहीं है क्या, वहाँ आराम करती हैं।
हो सकता है यहाँ काम बहुत हो, यहाँ काम बहुत हो इसलिए आराम करने। अरे बाबा इनके पास काम और आराम दोनों एक ही है। अच्छा यहाँ रहे हैं वतन में, जब कैसे जब ये वतन में होती हैं हाँ। तो स्वयं बाप दादा इनमें होता है। अच्छा स्वयं बाप दादा इनमें होता है और ये वतन में होती है। अगर ये ना होती तो ये हम सभी भगवान से कैसे मिल पाता। ये स्वयं भगवान की रथ है रथ। अच्छा वो घोड़े गाड़ी वाला नहीं, वो बैलगाड़ी वाला नहीं, ये पहिए वाला नहीं, ये साकार में भगवान की रथ है अभी। तब तो भोला जी तुम बड़े भाग्यशाली हो। अरे हम ये क्यों भाग्यशाली हैं? ये देखने वाले कम भाग्यशाली हैं क्या? अरे हम 100-100 भाग्यशाली हैं, ये तो 150 भाग्यशाली हैं। हाँ आपको ऐसे बहुमूल्य रत्नों के साथ अंग संग रहने का मौका मिला है। अरे ये स्वयं भगवान के अंग संग रही हैं, अब हम इनके अंग संग रह रहे हैं। हाँ पारस बन ही जाएंगे। और सुन भोला जी मुझे यहाँ एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है, कहीं कोई वतन से फरिश्ता छुपकर तो आके नहीं बैठ गया? अरे वो तो तुम ही आए हो भाई। और एक दिखाई दे रहा है, इधर को आओ ध्यान से देखो। ओ, हाँ, इधर, हाँ। इधर। लेकिन उनको आप कब देखते होंगे मालूम है? हाँ सवेरे सवेरे 3:30-4 बजे अमृत वेले। हाँ। वो है दादा विश्वरतन। हाँ। बिल्कुल। अरे आप तो पंख लगा के आए हो, वो साल पहन करके ऊपर चले जाते उड़ते हुए, वो बिना पंख के साल पहन के ऊपर मिलेंगे योग में सदैव। जैसा इनका नाम वैसा इनका वैसा ही काम काम। सचमुच ये तो विश्व के रतन है रतन। बिल्कुल जी विश्व रतन है। इनकी विशेषताएं तो आपको मालूम ही होगा। क्या? ये न्यारे और प्यारे लग रहे हैं। उसके अलावा हाँ सब चीजों से मुक्त। हाँ ठीक बिल्कुल मुक्त। झमेला मुक्त भी लग रहे हैं। झमेला तो इनके पास आता ही नहीं है। हाँ। और उनके बगल में और भी बैठे हैं। हाँ इन सब का मुझे परिचय कराइए। अरे इक्के बिक्के सिक्के सब बैठे हैं। इसका मतलब इक्के माने आनंद किशोर और सिक्के सिक्के माने चंद्रास भाई। सिक्के अच्छा अच्छा। और ये महान विभूतियाँ ये महान भूमिति आप एक एक देखिए। ये है बेंगलोर की रानी दादी हृदय पुष्पा। ठीक। ये है अपनी दादी शांता मणि शांति के सागर। ये सब तो यज्ञ की शोभा दिखाई अरे दे रही है। क्या महाशोभा परम शोभा अति शोभा आनंदम परमानंदम। ये सब दादियाँ ये सभी दादियाँ सभी जगह से ये हमारे यज्ञ के फाउंडेशन है फाउंडेशन। अगर ये नहीं होती तो हम भी हिलते रहते और तुम भी चलते रहते। अगर ये ना होती अगर ये ना होती तो हम ना होते तुम ना होते ये सभा नहीं होती। सारी दुनिया रोती अंधेरा होता उजाला नहीं होता परंतु अभी सब तरफ डायमंड जुबली जगमगाता होता। वाह 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 वाह। लगता अच्छा। है भोला जी इन सब ने यज्ञ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बड़े बड़े काम किए हैं कमाल का बात है। अरे इन्होंने तो दधीची ऋषि जैसे हड्डी हड्डी स्वाहा कर दिया। हाँ। इनको छू के देखो हड्डी नहीं मिलेगी इनमें। अच्छा। बिल्कुल नहीं छू के देख लो ये बात जी। और ये आप जानते हो हाँ। स्वयं ब्रह्मा जी के यहाँ तो ट्रांसलेटर दूसरे बैठी हैं कहीं अंग्रेजी को हिंदी में हिंदी को अंग्रेजी में लेकिन पिताश्री के जो सिंधी भाषा ट्रांसलेशन था ना वो अपनी दादी ईसु जी ये बैठी बिल्कुल बगल अगल में। अरे सारे लाल कागज के सारे ये भी तो दादियाँ बहुत दिखाई दे रही हैं। ये तो हर गंगे अच्छा? सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली। अरे यूपी से आई हैं हर अच्छा? गंगे हर गंगे। तो गंगा यूपी से चल के पहाड़ पे चढ़ गई। अरे त्रिवेणी संगम तो उधर ही होता है। अच्छा? और ये है दादी दिल्ली की। हाँ। और ये दादियाँ पूना की। अरे क्या बम्बई क्या पूना और इनके बिना घर सुना। वाह 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 वाह। अरे क्या बम्बई क्या पूना इनके बिना सारा सुना। इनके बिना घर नहीं संसार सुना। ये तो आप समझते ही हो। बाकी एक बात और याद रखना कि भूखे भजन न होए गोपाला। हाँ। ले लो अपना कंठी माला। हाँ। सबको भूख लगी है। हाँ। तो यहाँ वो भोली दादी भंडारी भोली भी बैठी कहां, है। कहां मुझे परिचय कराइए। भोली भंडारी ये बैठी है ये देखो। हाँ, भोली भंडारी ठीक भोली दादी। इनका नाम मैंने भी सुना था जी। शायद ये वही हैं जो कभी ना नहीं कहती। बिल्कुल नहीं इनका डिक्शनरी में ना शब्द तो है ही नहीं। अच्छा पर हाँ जी का पार्ट बिल्कुल 100% पक्का। हाँ जी शायद इन्होंने बहुतों को सुख दिया है। सभी को ही दिया है बहुतों को क्या जो आते जाते हैं सबको दिया है। हाँ और बहुत इनके यादगार में अन्नपूर्णा देवी
ये हाँ। अरे ये चौपड़ खेलती थी। अच्छा दादी संदेशी दादी हाँ। और बाबा के साथ सभी दादियां एक से एक बैठी है। ये देखो बिमलू दादी, लेकिन बिमलू नहीं सुनना हाँ। इनका नाम मोहिनी भी है। अच्छा, अच्छा। इधर देखिए हमारे सभी भूरी दादी और ये जमुना दादी, उधर सारी दादियां किसनी दादी बिस्नी दादी, दोनों है किसनी भी है बिस्नी भी है। ठीक बात। इधर सभी दादी। अच्छा इधर इधर भी है। ये देखो दादियां सारी दादियां ही दादियां बैठी है हमारी। ये हमारी सीतू दादी। अरे भाई साहब अभी किसी पर थोड़ा सा कुछ आता है ना हाँ। तो उनको आफत कहते बाबा क्या आ गया प्रॉब्लम आ गया ये आ गया। अरे जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आया था जज के ऊपर कुर्सी फेंक दी थी। अच्छा जग हिस्ट्री में ही बताती हैं सचमुच ये तो। उनके साथ ये दूसरी दादी हमारी देखे ना हाँ। ब्रह्मा बाबा के साथ हाँ। अंग संग रहने वाली हाँ। मालूम है लच्छू दादी जी, पालू दादी। अरे कितनी दादियों के नाम गिनाए और इन सब दादियों के साथ एक और रतन भी ऐड हो गया है। कौन सा? अरे मोहिनी बहन भी बैठी है हाँ। ये बात ठीक है ठीक है। अच्छा सचमुच ये तो संसार के लिए सहारा हैं, ये तो महान विभूतियां हैं, जग के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, उदाहरण मूर्त हैं। और क्या नहीं हो तो बताओ, सारे तो सारे जिनकी मंदिरों में पूजा होती है ना, देखिए जी वो यही हैं, यही हैं, यही हैं, यही हैं, एक एक करके यही हैं, यही बैठी सब। अरे भाई साहब अब चले तो मैं भूख भी लगी है। मैं